नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज। आइए आपको बात कराते हैं अमाज चिश्ती के पिता सैयद शमीम चिश्ती से। शमीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शमीम साहब, आपका बेटा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा है। आप लोगों का सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको टिकट दिया बसपा ने, आप बताइए इसमें आपकी क्या तैयारी है? अजमेर उत्तर में आप मतलब कैसे विजयश्री दिलाएंगे अपने बेटे को? हम विकास पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अजमेर की जनता के हिमात लड़ रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। आना सागर को 15 फीट का लेवल था, उसमें गंदगी भर के 4 फीट हो गई है, 11 फीट लेवल रह गया। 10-20 साल में 8 फीट गंदगी होगी। आज तक कोई आदमी इसके लिए सोच नहीं रहे। हमारे बच्चे की सोच है कि इस गंदगी से आना सागर को मुक्त कराएंगे और आना सागर की सफाई करा के उसको अच्छी झील बनाएंगे जो इसका लोग पानी भी पी सके। आपने इसके अलावा और क्या सोचा है, मतलब क्या विजन है आपका इस चीज़ को लेकर? अजमेर के विकास पे इलेक्शन लड़ रहा है। सबसे पहले 70-50-40 साल से लोगों के मकान बने हुए, उनके पट्टे नहीं दे रहे हैं, उनके पट्टे दिलाएंगे। पूरे अजमेर की जनता परेशान है। ये कोई भी पार्टी आती है झूठा वादा करती है, 70 साल से उन्होंने कोई पट्टे नहीं दे रहा है इन्हें बेचारे गरीबों को। इन्हें बिजली दिलाएंगे, रोड बनाएंगे, बिजली का बिल आधा कराएंगे। अगर इन्होंने आधा बिल नहीं करा तो हमारा बच्चा MLA बना तो हम इस्तीफा दे देंगे 6 महीने के अंदर, लोगों की समस्या पूरी नहीं हुई तो। अगर हमारे को MLA बनाया तो हम 6 महीने में अगर हमारी काम नहीं करा सके तो हमारे बच्चे से कहेंगे बेटा इस्तीफा दे दे, ये गवर्नमेंट कुछ करना ही नहीं चाहती है, लोगों के खाली वोट लेना चाहती है। कितनी बड़ी घोषणा और कितनी अच्छी बात कही शमीम साहब ने कि 6 महीने के अंदर अगर बिजली के बिलों के दाम या बिजली के बिल कम नहीं किए गए और जनता को राहत नहीं पहुँचाई गई तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब शमीम जी, आप ये बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी राष्ट्रीयकृत पार्टियाँ सामने हैं चुनावी मैदान में, आपके सामने भाजपा के मंत्री शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी हैं, महेंद्र सिंह रलावता हैं जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ राजपूत नेता कहलाते हैं, उनके बीच आप अमात चिश्ती को किस तरह से स्टैंड करेंगे और किस तरह से विजय दिलाएंगे? हम बहुत बड़े बड़े नेता हैं BJP के भी और कांग्रेस के, हम तो बच्चे को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। ये कहते हैं युद्ध चाहिए, हमने युद्ध बच्चा दिया। ये कहते हैं पढ़ा लिखा चाहिए, हमने पढ़ा लिखा किया। कांग्रेस और BJP दोनों पार्टी एक है। अगर कांग्रेस और BJP एक पार्टी नहीं हो तो मैं आपको इसका सबूत दे रहा हूँ कि रलावता जी को टिकट कैसे मिला। कैसे मिला? रलावता जी को टिकट इनाम में मिला है। मतलब रलावता जी को टिकट इनाम में मिला है, किस चीज के इनाम मिला समझ बताएं? हाँ, BJP के पार्षद गहलोत साहब जीते, वो खड़े हुए। BJP के पार्षद वो शेखावत साहब हुए, दो पार्षद खड़े हुए। 31 पार्षद BJP के जीते, 22 पार्षद कांग्रेस के जीते। हमारा बच्चा निर्दलीय खड़ा हुआ, उसने एक वोट BJP को दिया तो पूरे अजमेर ने ये कहा कि अमाज चिश्ती ने वोट BJP को दिया, ना कि हमने BJP को दिया, हमने वोट विकास को दिया। जो पार्टी सेंटर में, जो पार्टी राज्य में, वो उसका मेयर बनेगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो हमारे क्षेत्र का विकास हुआ, दरगाह बाजार का नाला 1,22,00,000 रुपए लगा के बनाया गया और कांग्रेस के 22 पार्षदों ने BJP को वोट दिया, सपोर्ट करा, ना तो उनका इस्तीफा मांगा, ना गहलोत का इस्तीफा मांगा, ना इनका इस्तीफा मांगा ये रलावता का, और इन्हें उसकी गिफ्ट में टिकट दिया MLA का, ये कह के कि तुमने BJP का सपोर्ट करा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र गहलोत जो आज मेयर बने हैं वो कांग्रेस के ही पार्षदों की क्रॉस वोटिंग से बने हैं, और उसमें रलावता, महेंद्र सिंह रलावता का बहुत बड़ा रोल रहा है। महेंद्र सिंह रलावता ने खुला वोट दिलाया है 22 शेखावत साहब को, BJP के पार्षद को। हम गलत थोड़ी कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं, दुनिया के सामने दिलाए और इन्होंने उस पर अपनी ताल ठोकी है, पीठ ठोकी है कि हम शेखावत साहब को ही वो बनाएंगे मेयर।
22 पार्षदों ने खुला पूरे अजमेर को मालूम है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, पूरे अजमेर की जनता कह रही है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। ये तो रालौता जी तो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, सक्रिय कार्यकर्ता है। महेंद्र सिंह रालौता बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता है। देखिए इतनी बड़ी बात इतनी सच्चाई से और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना अपने आप में बहुत मादा रखता है। शमीम जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ईश्वर करे आप बहुत जल्दी अपने बेटे को विधायक बना के लाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बात और बता दें आपको कि बसपा को इस बार जो समर्थन मिल रहा है और जो बसपा में नई टीम जुड़ी है वो टीम भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज लोग हैं, है ना, जिन्होंने सालों साल कांग्रेस में अपनी सेवाएं दी हैं और बावजूद उनके उनको कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया अल्पसंख्यक वर्ग के होने के बावजूद। ऐसे ही हमारे मित्र हमारे साथ हैं भाई सादिक अली जी, जो कई सालों से कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वो छोड़ के अपने पूरे जितने भी इनके गाँव हैं उनके समर्थन के साथ ये बसपा में शामिल हो चुके हैं। आइए बात करते हैं भाई सादिक अली जी। सादिक अली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए आपने कांग्रेस छोड़ के बसपा का जो साथ चुना है वो क्यों? सबसे पहले तो मैं आपके होराइजनिंग चैनल के माध्यम से जो है मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को छोड़ के जो मैंने साथ चुना है, पायलट साहब का पहला इलेक्शन सन 2009 का, नौसर गांव के अंदर हाई टेंशन लाइन डाली जा रही थी, 2011 के अंदर हाई टेंशन लाइन जो डली, पुलिस से मारापीटी हुई, लाठी बाटा जंग हुआ, गांव के 300 नामजद मुजरिम बनाए गए जिसमें 37 आदमियों के ऊपर केस लगा, 37 आदमियों के ऊपर केस लगा, 353 की धारा लगी, सब बेचारे गरीब लोग घरों से फरार रहे। उसके बाद जो है पुलिस ने धरपकड़ चालू करी, पकड़े गए लोग, जेल जा गए, कोई 8 महीने रह गया, कोई 6 महीने रह गया। अशोक गहलोत जी की जो है सरकार बनी, हमसे वादा किया गया कि हम जो है आपके केस जो है वापस उठवाएंगे, हमारी गवर्नमेंट बनते ही केस वापस नहीं लिए गए, जिसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। मैं कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहा हूँ, कांग्रेस को सेवाएं दी हैं और कांग्रेस को ऐसी महत्वपूर्ण जगह सेवाएं दी हैं जिसका कोई मैं औचित्य आपको बता नहीं सकता हूँ। पायलट साहब का पहला इलेक्शन नसीराबाद 2009 का, टेकर वाली मस्जिद के ऊपर ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी नसीराबाद बहिष्कार कर चुका था मुस्लिम समाज कि हम वोट नहीं डालेंगे, पायलट साहब ने जुलूस जब निकला मुझे वहाँ भेजा गया, मैंने बात करी खटाणा जी से, बात करके मैंने वहाँ से जो है उनको समर्थन दिलवाया, 5 तारीख को 7 तारीख को पायलट साहब की पोलिंग थी, 2 दिन पहले उनको समर्थन दिलवाया। तो सादिक जी कहने का मतलब है कि पायलट साहब से नाराजगी की वजह से आपने कांग्रेस छोड़ के बसपा का दामन थामा है, अब आपको आगे क्या सोच रहे हैं, मतलब मुस्लिम समाज का या इस वर्ग का क्या रुझान रहेगा, आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे बसपा में? पायलट साहब से नाराजगी की तो बात यह है सर, जब उनका पहला इलेक्शन या एमपी का लड़ा, इतनी बड़ी उनके नसीराबाद के मुस्लिम वोटरों ने बहिष्कार करा हुआ था ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी के, हम वोट नहीं डालेंगे, महेंद्र सिंह गुर्जर जी जो है वादा खिलाफी कर गए थे, जुलूस निकाला गया शुक्रवार के दिन काली पट्टियाँ बांध कर, मेरे को पायलट साहब ने खटाना जी से मैंने बात करी, मुझे भेजा गया, उस जुलूस को मैंने विड्रॉल कराया, तहसील के ऊपर धरने को हटवाया, उसके बाद पायलट साहब ने मुझे डेलीगेशन लेकर बुलाया, उस डेलीगेशन को लेकर मैं रक्षा राज्य मंत्री पल्लम राजू जी के पास गया, उस फाइल को सॉल्व करवाया, उस फाइल को सॉल्व करवाने के बाद पायलट साहब को टेकरे वाली मस्जिद पर मैंने समर्थन दिलवाया, अपनी वाइफ को लेकर पायलट साहब खुद आए थे, महेंद्र सिंह गुर्जर और इधर ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी के लोग और कम से कम 5,000 आदमी वहाँ इकट्ठे होकर पायलट साहब को समर्थन किया, और सबसे ज़्यादा पोलिंग नसीराबाद से हुई थी उनके क्षेत्र के अंदर, उसका भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं विद प्रूफ आपसे बात कर रहा हूँ, ये सन 2011 पायलट साहब का इलेक्शन और ये टेकरे वाली मस्जिद के ऊपर समर्थन की घोषणा। लगभग कितने हजार वोटर्स होंगे ऐसे जो इस तरह से कांग्रेस छोड़ के बसपा का दामन थामा है, जिन लोगों ने आपके साथ, लगभग कितने लोग होंगे? देखिए बसपा ने जो है अमाज चिश्ती को, सैयद अमाज चिश्ती को जो टिकट दिया है, कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जो है छोड़कर जो है दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उसमें उनकी कांग्रेस के अंदर जो है उनकी देख रेख नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई जो है मीटिंग की सूचना नहीं दी जाती है, उनको कोई भी जो है किसी काम में आगे बढ़ाया नहीं जाता है, ज़मीन पर काम करने वाला जो अपने तय दिल से पार्टी के लिए काम करता है वो हमेशा पीछे रह जाता है,
और जो पैसे वाले धनाढ्य लोग हैं वो आगे आ जाए। सादिक जी, मैंने पूछा आपसे सिंपल सवाल, सिंपल बात, सिंपल शब्दों में, आपके साथ या कांग्रेस छोड़कर बसपा का दामन थामने वाले लगभग कितने कार्यकर्ता हैं? बसपा का दामन थामने वाले लगभग कम से कम 400 कार्यकर्ता जो है कांग्रेस छोड़कर मेरे साथ जो है बसपा के अंदर शामिल हुए हैं, और सैयद आवाज़ चिश्ती का जो है मतलब तय दिल से साथ देंगे। और मैं ये उत्तर क्षेत्र के लोगों से गुजारिश करूंगा, हर धर्म हर जाति के लोग से गुजारिश करूंगा, युवा कैंडिडेट है, जागरूक है, आपका काम 100% होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। देखिए, 400 कार्यकर्ता कांग्रेस के छोड़कर बसपा में ज्वाइन कर चुके हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है कि 400 कार्यकर्ता एक संगठन के, एक रैशनलाइज्ड पार्टी के, एक राष्ट्रीयकृत पार्टी के छोड़कर बसपा में शामिल हुए हैं अमाज चिश्ती के साथ। फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे बहुत ही जल्दी। धन्यवाद। Yeah.